नमस्कार, मैं किसान का बेटा काना धनगर और आपके अपने चैनल काना सर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो मेरे साथ में मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी आगरा श्री भूप सिंह धनगर जी, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान जी, आपका परिचय। मैं भूप सिंह धनगर, प्रबंधक मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज, राष्ट्र उपाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ एवं मैं भारतीय वायुसेना से सीनियर नॉन कमिश्नर ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ। धनगर जी, क्या आपका समाज के प्रति, आपका जो धनगर समाज है, समाज के प्रति क्या आपकी विचारधारा है और किस विचारधारा को लेकर आप अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं सन 1987 से समाज से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के साथ मैंने अहिल्याबाई जयंती की इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं कि हमने पूरा सूरसूदन भर दिया था और सूदन से लेके नायकी मंडी तक पूरा आपका रोड जाम कर दिया था। एवं इसके बाद भी हम हर वर्ष जयंती अच्छे रूप में बनाते हैं और विभिन्न सामाजिक कार्य करते हैं। हम लोग ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के तले सामूहिक विवाह का भी आयोजन करते हैं। धनगर साहब, अभी अगर देखा जाए तो अपना जो समाज है धनगर समाज, कहीं ना कहीं राजनीति में जो हक नहीं मिल पा रहा है समाज को, जो संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है कि एक तो धनगर के सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कम है, उस आंकलन को भी देखा जाए फिर भी राजनीति में कहीं ना कहीं जो दबदबा है समाज का कम नजर आ रहा है। देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि हमारा समाज अभी संगठित नहीं है, इसी वजह से हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन पाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश जारी कर दिया था, हमारे आदरणीय सांसद एसपी बघेल ने काफी सहायता की और हमारी संस्था ने बहुत सहायता की और ऑर्डर भी जारी हुए, लेकिन कुछ अलग तत्व के जो लोग थे उन्होंने इसमें रोक लगा दी और जिस वजह से हम पिछड़ गए, वरना हम पूरी तरह से धनगर हैं और हमारे सर्टिफिकेट जारी होनी चाहिए। और अभी हम प्रयासरत हैं, हमारा केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है हम हर हालत में जीतेंगे और हमें सफलता मिलेगी। समाज का युवा निकल कर आ रहा है आगे, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो समाज के लिए किस मुद्दे को लेकर चले जिससे अपना जो समाज है वो आगे अग्रसर हो। तो उन युवाओं के लिए, जो समाज के आज जो युवा हैं अपना टारगेट फिक्स नहीं कर पा रही हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारे जो युवा हैं वो इस समय काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने प्रोत्साहन करूँगा, काफ़ी संगठन ऐसे हैं, कुछ संगठनों ने लाइब्रेरी बना ली है, कुछ संगठनों ने वो आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए अपनी उनको एंट्री करा रहे हैं और युवा लोग काफ़ी आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब जागरूकता काफ़ी है, लोग पढ़ रहे हैं। मेरा संदेश तो युवाओं को यह है, देखिए आप सबसे पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए। यदि आप शिक्षा होंगे तो आप अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं, अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे उनके अभिभावकों से भी निवेदन है कि दो रोटी कम खा लो लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, जिससे बच्चे हमारे युवा आगे बढ़ सकें। धनगर साहब, अगर देखा जाए तो शिक्षा के अलावा आपकी और क्या तमन्ना थी लाइफ में? देखिए, मैंने देश की सेवा की भारतीय सेना में रहकर और अब मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरी ये इच्छा है कि मैंने मेनली कन्याकुमारी स्कूल खोला था, लेकिन अभी दोनों ही मैं पढ़ा रहा हूँ, वो दोनों ही शामिल हैं छात्र छात्राएं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज आगे बढ़े और कोई भी गरीब छात्रा टैलेंटेड है, अच्छी पढ़ने वाली है, तो उसे पूरी साल की फीस माफ कर भी उन्हें पढ़ाता हूँ। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, घोषणा कर दी है कुछ ही सालों के अंदर लागू भी हो जाएगी, उस नई शिक्षा नीति को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नई शिक्षा नीति अच्छी है, देखिए समय बदल गया है, हमें उसके साथ चलना होगा। अब हमें व्यवस्थित होना जरूरी है, जब तक हम व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक भाई बच्चों को पता नहीं होगा कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, तो ही सही रहेगा। तो उसे शुरू से ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस फील्ड में जाना चाहे वो जा सकता है। तो अब तक जो कुछ नॉलेज में आया है शिक्षा नीति, अभी तक वो सही पाएगी है, बाकी आगे की जो भी आएगी गाइडलाइंस आएंगी उन्हें पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा।
आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में हमारे दर्शक विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एक मेरा इंटर कॉलेज चला रहा हूँ, मीरा इंटर कॉलेज, और एक मेरा खंडारी में पुलिसिया इंटर स्कूल है, और एक मेरे पास प्ले ग्रुप के बच्चों की डीपीएस की फ्रेंचाइज है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अब सरकार को एक ही शिक्षा प्रणाली लागू कर देनी चाहिए पूरे भारत देश में। हाँ, वही है शिक्षा नीति, जो अभी नई शिक्षा नीति चालू कर रहे हैं 2024 से चालू करेंगे लोग, उसमें ये एक ही नीति अपनाए पूरे देश के लिए। अच्छी बात है, पूरा देश एक तरफ चलेगा तो अच्छी बात है। धनगर साहब, वृक्षारोपण को लेकर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा विषय है। पर्यावरण शिक्षा हम करेंगे तो हम जीवित रह पाएंगे। देखिए, पर्यावरण नष्ट होने की वजह से ही ये आज हमें कोरोना से जूझना पड़ रहा है। हमें नहीं, हमारे देश को नहीं, पूरे दुनिया को जूझना पड़ रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी है और हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरकार वृक्षारोपण तो करवाती है, लेकिन जो उसकी देखभाल है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है। अभी सड़कों पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा जितने भी वृक्ष लगाए गए उनकी देखभाल नहीं हुई, और आज वो वृक्ष नष्ट होते नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को वृक्षारोपण के साथ साथ में उसका देखभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। देखिए, मेरा नजरिया यह है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेदारी है। सरकार ने पौधे लगाए हैं या नर पौधे लगाए हैं तो उनकी रक्षा करना भी जनता की है। तो जिनके आसपास में पेड़ पौधे लगे हैं या लगाए गए, कृपया वो ध्यान दें। सरकार सारे काम नहीं कर सकती, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी समझती है। पर्यावरण हमारे लिए, सरकार के लिए नहीं है, वृक्ष हमारे लिए है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, अतः हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें। धनगर साहब, जब से आपने शिक्षा पर ध्यान दिया है तब से आपके जो जिंदगी है या लाइफ कहें उसमें कितना बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है? काफी परिवर्तन हुआ है। देखिए, पहले ये था कि शिक्षक की बहुत इज्जत मिलती थी, अब आजकल ये बहुत से लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, और अब जो अभिभावक हैं वो अध्यापकों को ये नहीं समझते कि ये बात हमारे पास, जो मतलब पहले से इज्जत मिलती थी अब वो इज्जत नहीं रही इस क्षेत्र में। बिल्कुल धनगर साहब, जिस प्रकार से आज पूरा देश कोरोना वायरस का शिकार है, देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर शिकार हुए हैं देश भी, जिसमें अभी भारत में अनलॉक 3 चल रहा है, तो हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या विचार हैं, किस तरीके से रहा जाए? मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग लेकर चलें, मास्क लगाएं, समय समय पर साबुन से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोते रहें, और जो भी नई गाइडलाइन सरकार की आती है उनका पालन करें, हम तभी कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे विचार रखते हैं, तो मेरा अंतिम सवाल शिक्षा को लेकर ही है, शिक्षा के बारे में आपके अंतिम विचार क्या है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हम शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमें तर्क संगत ज्ञान एवं वैज्ञानिकता की ओर बढ़ना है, हमें विज्ञान ही बचा सकती है। यदि आज की तारीख में कोरोना से बचेंगे तो वैक्सीन आने पर ही बचेंगे, वरना ये केस होते रहेंगे, इसलिए शिक्षित होना अति आवश्यक है, हमें शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल धनगर साहब, हमारे यूट्यूब चैनल काना सर ऑफिशियल के लिए हमारे दर्शकों से अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप काना चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सभी सम्मान्य साथियों, आपको बता दें हमारे साथ में मौजूद थे श्रीमान भूप सिंह धनगर जी, जिन्होंने बताया कि आगे कार एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। वास्तव में आप अपने परिवार में जितने भी लोग रहते हैं एक रोटी अवश्य कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए, क्योंकि अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एक हमारे दर्शक है, उनका कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहा है। अभी हमारे एक दर्शक ब्रजेश भगेल जी पूछ रहे हैं कि क्या कोविड-19 में परीक्षार्थियों की पढ़ाई पर असर हुआ है? हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको बहुत सब पढ़ा है, क्योंकि उनके घरों में मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, और बच्चे इतना अधिक समझ में नहीं रहे, अतः स्कूल अवश्य खुलने चाहिए, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलें, और हम लोग स्कूल वाले या सरकार को भी और अभिभावकों को भी ये उम्मीद जताते हैं कि हम उनकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उनको सैनिटाइज कराएंगे, और इस प्रकार से स्कूल में जो बच्चा समझ सकता है, ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ाई होती है वो मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती है। बिल्कुल, तो साथियों
इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन अनलॉक 3 में चल रहा है देश, जिस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास में स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चे इस पढ़ाई ऑनलाइन वाली को नहीं ले पा रही है, तो सरकार को कुछ न कुछ तरीके से या कुछ न कुछ गाइडलाइंस बनाकर विद्यालय को ओपन करना चाहिए, जिससे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको अपने शिक्षित होने में काफ़ी जो वापस विद्यालयों में लौटना पड़े, क्योंकि जो गरीब घर के विद्यार्थी हैं उनको स्मार्टफोन ना होने के कारण उनकी जो शिक्षा है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इसलिए सरकार को उन परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके परिवारों पर स्मार्टफोन नहीं है। तो जिस प्रकार से देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो मैं आपका अपना छोटा भाई किसान का बेटा काना धनगर आपसे अपील करता हूं कि आप अभी भी कोरोना का प्रकोप जारी है, लगातार 60,000 के आसपास रोजाना केस आ रहे हैं, आंकड़ा 21,00,000 को पार कर चुका है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कहीं भी जाइए अपने मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी का हमेशा प्रयोग कीजिए। इसी कड़ी में एक और सवाल हमारे दर्शक जी पूछ रहे हैं, मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या वर्तमान महामारी को देखते हुए इस सत्र को शून्य घोषित कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से सत्र को शून्य नहीं घोषित करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज को खोलना चाहिए, जिससे बच्चों का एक साल खराब ना हो। जिस प्रकार से कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर विद्यालय नहीं ओपन होते हैं, तो अगर सत्र को शून्य घोषित किया जाता है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं विद्यार्थी हैं उनको फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा, विद्यार्थियों को बहुत नुकसान होगा, एक साल बहुत इम्पोर्टेंट होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, अतः सत्र को शून्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो धन्यवाद साथियों, हमारे साथ में मौजूद थे श्रीमान भूप सिंह धनगर जी, जिन्होंने अपने विचार शिक्षा पर रखे। एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।